गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप सभी घर में सुरक्षित होंगे और इस COVID-19 की स्थिति में जो आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की गई हैं, उन ऑनलाइन क्लासेस की आप के द्वारा अच्छे से स्टडी PDF और ऑडियो की स्टडी कर रहे होंगे। आज का टॉपिक है हमारा प्रमापी करण यानी स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन की अगर बात करें तो एक ऐसी एक्टिविटी जिसके माध्यम से उत्पादन की विधियां और उत्पादन की किस्म दोनों को एक पैरामीटर के अंदर रोका जा सके, वो स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है। जिसका उद्देश्य लोगों को सुरक्षा देना है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देना है और काम को समय पर समाप्त कराना है। इस विचार के लिए सामान्य रूप से कई विचारकों ने अपने अपने विचार दिए हैं। जैसे जे बेटी हैं, उन्होंने कहा कि स्टैंडर्डाइजेशन एक ऐसी वस्तु है जिसमें कार्य गुण और विभिन्न प्रकार के मापों और प्रभावों को डालने के बाद एक स्पेशल घटक तैयार हो जाता है। एक विचारक पैक जी हैं, उन्होंने ये कहा कि स्टैंडर्डाइजेशन का मुख्य अर्थ स्टैंडर्ड या मेजर्ड डिटरमाइन करने के लिए एक क्वालिटी क्वांटिटेटिव और प्राइस एक फिक्स्ड प्राइस पर सर्विसेज या प्रोडक्ट डिलीवर करना ही स्टैंडर्डाइजेशन है। और लोगों ने भी कहा, उन्होंने भी सबने यही कहा, एक सुवीन विचारक हैं, बहुत पुराने हैं, लगभग सारे विचारक पुराने हैं, वो और भी पुराने थे, उन्होंने भी यही कहा कि स्टैंडर्डाइजेशन यानी प्रमापीकरण का प्रबंध एक महत्वपूर्ण निर्धारित एक्टिविटी है जिसके माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग का लेखा एक स्टैंडर्ड आइडियलिस्टिक एक्शन प्रोसीजर्स को एक सर्टेन ड्यूरेशन में और सर्टेन लेवल के साथ पूरा किया जाए। साथ में स्टैंडर्डाइजेशन को अगर ऐसा कहा जाए कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ये आइडेंटिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राहकों को पहले से प्राप्त हो जाती है कि जो वस्तुएं या सर्विसेज उनके द्वारा उपयोग की जा रही हैं वो ऑलरेडी बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा सर्टिफाइड हैं, उन्हें उसमें किसी भी प्रकार के रिस्क होने की संभावनाएं नहीं होंगी। इसके लिए अगर सामान्य रूप से अगर हम ये विचार रखें कि स्टैंडर्डाइजेशन एक ऐसी प्रोसीजर है जो कि लोगों को फूड सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सिक्योरिटीज अवेलेबल कराती है, वो और एक और भी है ISO इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कि सर्विस सेक्टर के लिए होती है, वो सारे के सारे आपको यानी कि उपभोक्ता को बेस्ट सर्विसेज देने में मदद करती है। इस उद्देश्य को पूर्ण करना तभी संभव होगा। जैसे आप प्रेस यूज करते हो, से जितने इलेक्ट्रॉनिक आइटम सब ISI सर्टिफाइड होते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड फॉर इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को आइडेंटिकल एक सिक्योरिटीज दी जाती है। IFSC जो है वो फूड सिक्योरिटीज है, फूड्स जो जाते हैं वो बोलते हैं कि हमारे द्वारा टेस्टेड है, इनमें जो एलिमेंट्स हैं वो ह्यूमन बॉडीज को इफेक्ट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे कब नहीं करेंगे ये नहीं मालूम, लेकिन नहीं करेंगे ये गारंटी वो दे देते हैं। तो ये सारी चीजों को इन्वॉल्व करना ही या उनका एक कलेक्शन ही स्टैंडर्डाइजेशन है। स्टैंडर्डाइजेशन सामान्य रूप से अगर इन डिफिनिशंस में बात करें तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी आती हैं। जैसे स्टैंडर्डाइजेशन एक लार्ज लेवल ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए बेस्ट होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन या स्टैंडर्डाइजेशन के माध्यम से बात करें तो प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी दोनों को एक सिक्योरिटी देता है। फिर स्टैंडर्डाइजेशन यानी प्रमापीकरण का जो सबसे बड़ा यूटिलाइजेशन है वो साइंस और टेक्नोलॉजी और रिसर्च और इनोवेशंस को एक पैरामीटर मेंटेन कर देता है कि आप इसी आधार पर वस्तुओं को उत्पादित करें। कई लेवल पर स्टैंडर्डाइजेशन होता है।
वो लेवल हैं। सामान्य रूप से नेशनल लेवल यानी कि भारतीय स्तर पर जब इंडियन मार्केट में कोई वस्तु बेचनी है उसको इंडियन स्टैंडर्ड्स के आधार पर वस्तुएं बेचनी होंगी। इंटरनेशनल लेवल पर अगर आपको प्रोडक्ट्स बेचना है तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रमाप यूज करने होंगे, जिनका उद्देश्य IOS जिसको कहते हैं, जिनका उद्देश्य वहां पर जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए आइडेंटिकल अलग अलग देशों की रिक्वायरमेंट को या कहा जाए कि उनकी स्पेशलिस्ट वहां की जियोग्राफिकली या वहां पर इकोनॉमिकली या जो वहां के लोगों की इनकम्स के स्टैंडर्ड्स हैं उसके आधार पर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को डिलीवर किया जाए, ये IOS के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है। कंपनी प्रमाप की जब बात आती है तो यहां पर संस्थाओं को ऐसे स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करना है जिनका उद्देश्य अपने आप को मार्केट में स्पेशल इफेक्ट्स के साथ रिप्रेजेंट करें। जैसे आप किसी स्पेशल ब्रांड्स के एक प्रोडक्ट को लेते हैं और वही रेंज साइज या क्वालिटी दूसरे प्रोडक्ट पर जाते हैं तो वहां पर प्राइस या तो ज्यादा हो जाती है, साइज चेंज हो जाती है, क्वालिटी इंफीरियर हो जाती है। तो एक ब्रांड स्पेसिफिकेशन है, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं शूज पर। आप एक ब्रांड का शूज लीजिए, उसका अगर आपको 8 नंबर शूज लगता है तो दूसरे ब्रांड का जरूरी नहीं है कि 8 नंबर लगेगा या 9 नंबर लगेगा, हो सकता है वो 7 नंबर में उसमें आ जाए या हो सकता है कि 9 नंबर पे आए। ये है शर्ट्स पर, शर्ट एक ब्रांड पर आप XL यूज करते हैं, दूसरे में पता चलता है कि आपका मीडियम में आ जाता है या किसी ब्रांड में XXL पर आता है। ये अलग अलग कंपनीज के स्टैंडर्ड्स डिफाइंड होते हैं। फिर ट्रेड्स की बात करें, एक कम्युनिटीज की बात करें, कंपनियों के जैसे ट्रेड यूनियंस भी छोटे छोटे हों, वो अपने स्टैंडर्ड्स अपने समुदाय के आधार पर वस्तुओं की क्वालिटीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे लिज्जत पापड़ गुजराती समाज का है, उनका स्टैंडर्ड अलग है, एक साइंड अलग है, वो अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज को इंटरनेशनल मार्केट पर तक बेचते हैं, लेकिन उसको जो उनकी प्रोडक्ट क्वालिटीज और सर्विसेज हैं वो उस क्राइटेरिया में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। लोकल लेवल पर भी है, इंडिया अपने रीवा में भी लोकल लेवल पर बहुत सारा लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनको लोकल माल बोलते हैं, लेकिन वो लोग एक सैंपल या रजिस्ट्रेशन कराकर उसे बेचते हैं, लोगों को पसंद आता है तो लोग लोकल प्रोडक्ट्स भी लेते हैं। ऐसे बहुत सारे एक जैसे अचार है, लोकल अचार बिकता है रीवा में, कई जगह ऐसा है लोग लोकल लेवल पर प्रोडक्शन करते हैं और उन वस्तुओं को बेचते हैं, ये स्टैंडर्डाइजेशन की एक्टिविटी के अंतर्गत आती है। फिर बात करते हैं प्रमापीकरण के उद्देश्यों की। प्रमापीकरण का उद्देश्य खर्चों को कम करना है, उसका उद्देश्य जितना उत्पादन किया गया है उतना ही व्यय विचार के साथ इम्प्लीमेंट करना होता है, कच्चे माल की उपयोगिता उतनी ही हो जितना प्रोडक्शन करना है, मशीन्स भी उतनी ही देरी तक चलें जितनी देर तक वो प्रोडक्शन कर रही हैं। फिर लाइफ सिक्योरिटीज भी इसमें एक बड़ा इम्पैक्ट है, ताकि कई बार ऐसा भी होता है कि अगर ये सब चीज़ें ना हो, लोकल माल हो तो उसमें कई बार ऐसा नहीं है कि लोकल माल खराब होता है, लेकिन हाँ मोस्टली इनसिक्योर्ड होता है क्योंकि प्राइस कम रहेगी तो उसमें सिक्योरिटीज इक्विपमेंट्स कम लगाए जाएंगे या सिक्योरिटीज एक्टिविटीज को कम ध्यान में रखा जाएगा। इसके लिए वो एक स्पेशल आपको सिक्योरिटीज माइंड सेटअप देते हैं पॉजिटिव कि आप जो वस्तु यूज कर रहे हैं बेस्ट है। इसके अतिरिक्त बात करें इनको सामान्य रूप से स्टैंडर्डाइजेशन के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, तो स्टैंडर्डाइजेशन का एक्टिविटी के माध्यम से बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य या सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है। फिर सामान्य रूप अगर एग्जांपल लें बड़े पैमाने की बात, तो सर्विसेज की बात कर तो टेलीकॉम है, टेलीकॉम एजेंसी बड़े पैमाने पर होती है, एक ही तरह की सर्विसेज पूरे के पूरे जैसे सर्कल के आधार पर बनता है, तो सर्कल का एक सर्विसेज स्ट्रक्चर है, वही चार्ज वही रेट सबको दिया जाता है, स्टैंडर्डाइजेशन की एक्टिविटी है। 60 सेकंड की पल्स यानी 59 सेकंड के बाद अगर 60 सेकंड लग गया तो अपना अगले मिनट का चार्ज लगेगा, ये उनका स्टैंडर्ड फिक्स है। ये सारी एक्टिविटी का उद्देश्य ये तो स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करना वस्तुओं का है,
आप अगर एक नॉर्मल पार्ले जी के 5 रुपए की पैकेट को अगर परचेस करें एक ही समय की बैचिंग में प्रोडक्शन हो, तो जितनी क्वांटिटी रीवा में उस पैकेट पर निकलेगी उतना ही भोपाल जाइए, वहीं नागपुर जाइए या कहीं किसी और जगह जगह वही प्रोडक्ट सेम पैकेट मिलेगा। उसका उद्देश्य लोगों को यूनिक प्रोडक्ट डिलीवर करना है। फिर स्टैंडर्डाइजेशन के माध्यम से वस्तु की कीमत हाई हो जाती है, क्वालिटी भी बेटर हो जाती है, और सबसे बड़ा यह कि स्टैंडर्डाइजेशन की एक्टिविटी में कंपेयर कम कैपिटल का उपयोग करके बेटर रिजल्ट्स इंप्लीमेंट कराए जा सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन के माध्यम से समय और धन दोनों संस्थाओं का बचता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम से इंडस्ट्रियल कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है, वो लोग नए तरह के इनोवेशंस करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जिससे वो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो गवर्नमेंट्स को भी फायदा मिलता है और साथ में इम्प्लॉयज भी बेनिफिट होते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन भी उनका अच्छा होता है तो बोनस भी मेंटेन होता है, ग्राहक को भी सुरक्षा मिलती है, ग्राहक को एक सतत रूप से एक बेस्ट क्वालिटी आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिलीवर होती हैं। कुछ इनके लिमिटेशंस भी हैं, जिसकी लिमिटेशंस की बात करें तो सामान्य रूप से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, अर्थात किन्हीं कारणों से अगर कीमत कच्चे माल की बढ़ रही हो तो वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाने के लिए उन्हें स्पेशल प्रपोजल लेना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है, और ये सारी चीजें कई बार इंडस्ट्रीज के लिए नुकसानदायक होती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो बेईमानी करना भी शुरू कर देती हैं, उनमें प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ क्वालिटीज में कमी कर देती हैं या क्वांटिटीज में कमी कर देती, जिससे कस्टमर को पेमेंट तो उतना ही देना पड़ता है पर प्रोडक्ट कम मिल रहा होता है। इसका सबसे बड़ा एक निगेटिव चीज है कि स्टैंडर्डाइजेशन के नाम पे कस्टमर से अनावश्यक रूप से बहुत सारा पैसा ले लिया जाता है, जिसके कारण से वो व्यर्थ के पैसे पेमेंट करते हैं। इसके अतिरिक्त कई बार ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, पर स्टैंडर्डाइजेशन के कारण से ट्रेंड चेंज कर पाना संभव नहीं होता है। बहुत सारे उद्योग उन नए ट्रेंड नए टेक्नोलॉजीज को स्टैंडर्डाइजेशन के पैरामीटर्स के आधार पर या उन परमिशन लेटर्स के अभाव पर समय पर चेंज नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से वो मार्केट ट्रेंड से पिछड़ जाते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन में एक और बड़ी समस्याएं आती हैं कि उत्पादन जितने विशाल पैमाने पर किया जाएगा प्रमाप पर परिवर्तन करने में उतनी ही कठिनाई होगी स्टैंडर्ड्स पर। ये एक बड़ी समस्याएं आती हैं। सामान्य रूप से स्टैंडर्डाइजेशन समय के हिसाब से, टर्म्स के हिसाब से या प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से या ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए चेंज किए जाने चाहिए, ताकि ग्राहक भी लाभान्वित हो और प्रोड्यूसर भी लाभान्वित हो और सभी हेल्दी मार्केटिंग की एक्टिविटीज या कंज्यूमशंस की एक्टिविटी, उपभोग और उपभोक्ता की एक्टिविटी को फुलफिल कर सकें। थैंक यू। अगली क्लास पर हम लोग स्पेशलाइजेशन पर चर्चा करेंगे, यानी विशिष्टीकरण पर, क्योंकि वो भी थोड़ा इससे रिलेटेड ही है। स्टैंडर्डाइजेशन की बात होगी तो स्पेशलाइजेशन की भी बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।